CTR क्या होता है और कितना होना चाहिए। अगर आपके Google AdSense पे CTR बहुत ज्यादा जा रहा है तो आपका जो है Google AdSense डिसेबल भी किया जा सकता है। तो ये वाला जो टॉपिक है आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CTR होता क्या है, आपके Google AdSense में कितना CTR होना चाहिए, YT Studio में आपका कितना CTR होना चाहिए, और अगर आपका CTR ज्यादा जा रहा है Google AdSense पे तो आप उसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से सेफ क्लियर कर सकते हैं अपने Google AdSense को। सो आई एम विकास एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द टेक गुरु, जहां हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहली बात कि CTR होता क्या है। तो CTR की फुल फॉर्म होती है क्लिक थ्रू रेट, और इसे मेजर करने का तरीका AdSense और YT Studio में एक ही है। जो इसको मेजर करने के लिए चीजें होती हैं वो दोनों के लिए लगभग सेम है, इंप्रेशंस के बिहाफ पर इसे जो है मेजर किया जाता है। लेकिन अगर बात करें CTR परसेंटेज की तो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है भाई। Google AdSense में बहुत अलग चीजें हैं और YT Studio में जो है CTR परसेंटेज की जो रेट है वो बहुत अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे Google AdSense के बारे में। तो जिन लोगों का AdSense जो है वो अप्रूव हो चुका है, YT Studio प्रोग्राम में वो अप्लाई कर चुके हैं, तो वहां पर क्या होगा, अब उनकी वीडियोस पर एड सर्व करने शुरू करेगा YouTube। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके बिल्कुल सिंपल रखेंगे, बिल्कुल भसड़ा नहीं फैलाने वाले, बिल्कुल सिंपल रख के समझेंगे। तो सपोज आपके चैनल पर 100 व्यूज आए, होता नहीं है, नॉर्मली ज्यादा होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बिल्कुल इसे सिंपल रख के समझेंगे आप, उसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो आप अपने आप से बाद में जाकर समझ सकते हैं। सपोज आपके चैनल पर व्यूज आए 100, और उन 100 वीडियो पर जो 100 व्यूज आए उन पर 100 एड सर्व किए गए यूट्यूब की तरफ से, तो उसमें क्या होगा कि यूट्यूब कहेगा कि हमने 100 इंप्रेशन दिए, गूगल एडसेंस बोलेगा कि हमने आपको 100 इंप्रेशन दिए। या सपोज आप कर सकते हैं कि 500 व्यूज आए, उस पर केवल 100 वीडियोस एड सर्व किए गए, तो एडसेंस क्या बोलेगा कि भाई हमने 100 इंप्रेशंस आपको भेजे। तो अब उसमें क्या होगा, कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे कि ठीक है, कुछ वेबसाइट्स दिखाई जाती हैं, जिस तरीके की वीडियोस होती हैं उसी के तरीके के एड्स दिखाई जाते हैं, तो कई लोग क्या होते हैं उन चीजों में इंटरेस्टेड भी होते हैं और उन वेबसाइट्स पर या प्रोडक्ट्स पर या जिस भी तरीके का एड्स हैं उन पर क्लिक कर देते हैं। तो सपोज 100 एड आपके सर्व किए गए थे, वहां पर 10 लोगों ने आपका क्लिक कर दिया, तो आपका CTR निकल के आ जाता है 10%। इस तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं कि आपके 1000 जो है इंप्रेशंस आए, कि आपके बहुत ज्यादा व्यूज आए, वहां पर 1000 एड सर्व किए गए, वहां पर 50 आपके व्यूज आए, तो 5% आपका CTR निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर जो छोटा सा जो अंतर है YT Studio में और Google AdSense में, तो YT Studio में आप पर्टिकुलर हर एक वीडियो को CTR जाके देख सकते हैं, लेकिन जब आप AdSense में आते हैं तो वो टोटल जितना पूरा आपका YouTube चैनल है उसका सारे का आपको दिखा देता है कि भाई आपकी टोटल वीडियो पर जितने भी व्यूज आए हैं पूरे चैनल पर, उस पर इतने ऐड हमने सर्व करे, इतने क्लिक हुए और आपका CTR इतना है। अगर आप एक ही AdSense से दो YouTube चैनल चलाते हैं, दोनों मोनेटाइज हैं, तो उन दोनों का कंबाइन करके दिखाएगा, आप अलग अलग चैनल का अलग अलग वीडियोस का वहां पर नहीं देख सकते। अब बात करते हैं कि ज्यादा CTR होने से क्या प्रॉब्लम होती है और कितना CTR आपके लिए सेफ है। तो गूगल के सर्वे के हिसाब से माने तो गूगल ये मानता है कि 12% से 15% के आसपास का जो CTR है वो नॉर्मल होता है, इतना कन्वर्जन रेट आ ही जाता है। नॉर्मली जो लोग हैं वो इतने क्लिक कर ही देते हैं कि 100 ऐड पर 10-12 क्लिक, 15 क्लिक आ ही जाते हैं। लेकिन 15 से ज्यादा अगर आपके क्लिक आ रहे हैं, सॉरी आपका 15 से ज्यादा अगर आपका CTR आ रहा है, आप कहीं ना कहीं इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हैं अपने चैनल के साथ। तो इनवैलिड एक्टिविटी क्या होती है कि सपोज या तो आपका नया चैनल जैसे, तो आप अपनी अर्निंग बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई मेरा जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है, मेरी वीडियो देख, ऐड आए तो उन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने से आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। ठीक है, आप अपने घर में या फैमिली मेंबर के जो दूसरे फोन है एंड्रॉइड फोन, वहां पर अपनी वीडियो प्ले करके वहां पर अपने एड्स पर क्लिक कर देते हैं। या कई बार तो लोग ये भी गलती करते हैं कि अपने ही जिससे लॉगिन है उसी से चलाएंगे और उसी पे ऐड देखेंगे और वहीं से क्लिक कर देंगे, तो वो सबसे बड़ी गलती है, ये तो बिल्कुल ही मत करना। वो अगर 15% भी नहीं है तो भी धरे जाओगे भाई, तो ये वाली गलती तो बिल्कुल मत करना। तो आपको ये इनवैलिड एक्टिविटी तो सबसे पहली बात करनी नहीं है, और कई बार आप ये चीजें करते भी नहीं हो तो भी आपका जो CTR है वो 15% से ज्यादा जाने लगता है, तो आप कहीं ना कहीं खतरे में आ जाते हो। तो कुछ लोग जो नए हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब आपका नया नया मोनेटाइजेशन ऑन होता है तो कई हद तक जो आपका CTR है वो नॉर्मली कई बार ज्यादा रहता है। तो होता क्या है कि
आपका नॉर्मली आता है 10-12%, किसी दिन चला गया 20%, 22%, तो लोग डर जाते हैं, सोचते हैं यार या तो 20% चला गया, 22% चला गया, आज अब होगा क्या। तो उसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, 2-3 दिन अगर आपका 15 से ऊपर रहता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली अगर 10 से नीचे रहता है तो ठीक है, आज चला गया 20%, 21%, फिर उसे देखिए कल कितना रहेगा वो, परसों कितना रहेगा। अगर लगातार 3-4 दिन से वो 15 से ज्यादा जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं आपका चैनल जो है वो खतरे में है, आपका एडसेंस खतरे में, आपका एडसेंस डिसेबल किया जा सकता है। अब ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में आपको करना ये है कि आप अपने YouTube चैनल पे जाइए और चेक कीजिए आपकी सबसे ज्यादा वीडियो कौन सी चल रही है, किस वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। उस पर जाइए और उस वीडियो का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो उस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं उस पर ज्यादा एड सेल किए जा रहे होंगे और वहीं से आपका जो है CTR बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो 1-3 वीडियो ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, तो वहां पर उनका जो मोनेटाइजेशन है उसे डिसेबल कर दीजिए 2-3 दिन के लिए, वहां पर आपका CTR जो है दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है अपना एडसेंस पर CTR मैनेज करने के लिए। तो आपको बता दिया कि 15% से अगर आपका CTR ज्यादा जा रहा है तो आपके चैनल पर खतरा है और इसे मैनेज किस तरीके से करना है। अब दूसरी बात करते हैं हम YT स्टूडियो को लेकर के, YT स्टूडियो में CTR किस तरीके से मेजर किया जाता है और उसका क्या मतलब है और उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। तो अब YT स्टूडियो में आपकी वीडियोस के इंप्रेशन के रिगार्डिंग आपको CTR दिखाया जाता है। आपने कोई वीडियो पब्लिश करी, अब वहां पर YouTube वहां पर उसको भेजना शुरू करता है लोगों के पास, रिकमेंडेशन हो, सर्च हो, नोटिफिकेशन हो आपके सब्सक्राइबर्स के पास, किसी भी तरीके से अगर आपकी वीडियो किसी व्यूअर को वहां पर उसने दिखा दी YouTube ने, तो उसका एक इम्प्रेशन काउंट हो जाता है। अब वो किसी भी तरीके से आया हो, सजेशन से आया हो, सर्च से आया हो, नोटिफिकेशन से आया हो, चैनल पेज से आया हो, कहीं से भी आया हो, आपका एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। तो इसे भी बिल्कुल सिंपल रखते हैं कि सपोज 10 इम्प्रेशन आए, सजेस्टेड से आए हो, सर्च से आए, आपकी वीडियो 10 लोगों को सजेस्ट करी यूट्यूब ने, वहां सॉरी 100 लोगों को सजेस्ट करी यूट्यूब ने, वहां पर 10 लोगों ने उसे देख लिया, तो उसका कितना CTR निकल के आएगा, सिंपली 10%। अब ये जो वहां पर इम्प्रेशन हैं वो ज्यादा हो सकते हैं और आपका CTR भी ज्यादा हो सकता है, वो आप अपने चैनल पर जाके देख सकते हैं एनालिटिक्स पर कि कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं और कितना CTR आ रहा है। आप पर्टिकुलर एक एक वीडियो का भी वहां पर देख सकते हैं कि कितना वहां पर इम्प्रेशन आ रहे हैं और कितना आपका CTR उस वीडियो का है। अब बात करें एडसेंस की, तो वहां पर आपका 15% के आसपास रहता था तो आप सेफ होते थे, लेकिन अगर हम बात करें YT स्टूडियो की, तो यहां पर आपका वीडियो का CTR जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, 100% भी हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा CTR हो उतना ज्यादा अच्छा, 10% से ज्यादा हो, 15 से ज्यादा हो, 20 से ज्यादा हो, 50% हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना अच्छा थंबनेल, जितना बढ़िया टॉपिक, उतना ज्यादा CTR आपका होगा और उतनी ही ज्यादा आपकी वीडियो जो है वो रैंक करेगी, उतनी ज्यादा अच्छी वीडियो आपकी परफॉर्मेंस देगी। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि कितना परसेंटेज बढ़िया होता है आपके वीडियो के लिए, जिससे आपकी वीडियो वायरल हो जाए और लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा सजेशंस में जाना शुरू हो। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है कि आपकी वीडियो पर कितना CTR होना चाहिए और क्या केवल CTR की वजह से ही आपकी वीडियो रैंक करना शुरू हो जाती है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर उस वीडियो में है और उस वीडियो का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में, तो जाइए उस वीडियो को वॉच कीजिए, तो आपको YT स्टूडियो में आपकी वीडियो का CTR कितना होना चाहिए और किस तरीके से आपकी वीडियो सजेशंस में जाना शुरू होती है, किस तरीके से आपका चैनल उस पे ग्रो करना शुरू करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार छोटा सा रिव्यू आपको बता देता हूँ पूरी वीडियो का। तो आपका जो एडसेंस है उसका CTR होना चाहिए 15% के आसपास, उससे ज़्यादा अगर जाता है तो उसे आपको कम करने की ज़रूरत है, और अगर YT स्टूडियो पर बात करें तो जितना ज़्यादा CTR उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा। और इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं YT स्टूडियो के बारे में, तो आप मेरी दूसरी वीडियो जाके देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा CTR का पूरा फंडा कितना होता है, कितना होना चाहिए, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आई नो प्रॉब्लम, डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमारे लिए कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं,
और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके एक सब्सक्राइब से। सब्सक्राइब बटन तो यार जरूर दबा देना अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपसे इसी तरीके कोई ना कोई बढ़िया टॉपिक लेके आएंगे। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।